हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। जैसे कि आपको पता है, हम डेली आपके लिए करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आते हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस किसी को भी करंट अफेयर्स की वीडियो की पीडीएफ चाहिए या इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो आपको पता होगा भी, हाल ही में महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन लगने के कारण चर्चा में है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने, वहां के सीएम ने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर है तीसरी बार। महाराष्ट्र में 12 नवंबर 2019 से पहले तक दो बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, अब यह तीसरी बार लागू किया गया है। राज्य में सबसे पहले साल 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा था, इसके 34 साल बाद यानी साल 2014 में दूसरी बार लगा था, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफा देने के बाद अब फिर से यह फैसला लिया गया। बात महाराष्ट्र की आई है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और यदि महाराष्ट्र के राज्यपाल पूछे जाए तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर है, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेक्सिको ने बोलीविया के किस पूर्व राष्ट्रपति को देश में शरण दी है? तो हाल ही में बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति काफी ज्यादा चर्चा में है, इनका नाम है इवो मोरालेस। इवो मोरालेस ने चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सेना और जनता के बढ़ते दबाव के बीच इस्तीफा दे दिया है। वे 13 साल 9 महीने तक सत्ता में रहे, जो देश के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यकाल है। उन्होंने सबसे पहले 2006 में निर्वाचित हुए थे और दक्षिण अमेरिका के गरीब देशों को आर्थिक वृद्धि की राह पर भी ले गए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किए थे गरीबों के लिए भी। बात अब मेक्सिको की आई है, मेक्सिको में इन्होंने शरण ली है, तो मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है, और मेक्सिको की करेंसी यानी कि मुद्रा मैक्सिकन पेसो है। ये देखिए, इनकी बैकग्राउंड इमेज भी हमने आपको दिखा रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों की अपराधों की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका की संसद ने खेल से संबंधित अपराधों की रोकथाम से जुड़े एक बिल को पास कर दिया। इस बिल के पास होने के बाद श्रीलंका में मैच फिक्सिंग को अपराध माना जाएगा। मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़ा ये नया कानून हर खेल पर लागू होगा, यानी कि अब पूरी तरह मैच फिक्सिंग किसी भी गेम के लिए अपराध माना जाएगा श्रीलंका में। अब बात श्रीलंका की, श्रीलंका की दो राजधानियां है, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो, और श्रीलंका की करेंसी यानी कि मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI ने 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर है 5%। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 4.2% किया है। पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5% थी, जो पिछले 6 साल में सबसे कम है। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, और SBI के चेयरपर्सन रजनीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? तो इसका आंसर है 68%। संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में हर साल 38% कैंसर मरीज मौत का शिकार हो रहे हैं, तो भारत में यह आंकड़ा 68% है। इसका अर्थ है कि इलाज मरीजों तक पहुंच नहीं रहा है। पिछले साल भारत में 13 लाख नए कैंसर केस रिपोर्ट किए गए थे, और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज कौन से राज्य में हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हरियाणा में पाए जाते हैं, और कैंसर के लिए टेस्ट का नाम भी पेपर में आपसे कई बार पूछा गया है, तो कैंसर के टेस्ट का नाम है ELISA, ELISA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? तो इसका आंसर है सांभर झील। सांभर झील काफ़ी फेमस है, और यह खारे पानी की एक झील है। जयपुर के समीप स्थित सांभर झील में हाल ही में 1000 से अधिक प्रवासी पक्षियों को मृत पाया गया है। विभिन्न देशों से आए इन पक्षियों की मौत का सही कारण अभी पता नहीं चल सका है। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि प्रदूषित जल के कारण यह हादसा हुआ होगा, और सांभर झील भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। और राजस्थान की बात आई है अब, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, राजस्थान के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कलराज मिश्रा है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील सांभर झील है, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील
उड़ीसा में है। ओके, और अगर सबसे ताजे पानी की झील पूछी जाए तो हमारे देश में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। और अगर विश्व में सबसे ज्यादा ताजे पानी की झील पूछी जाए तो सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गेंदबाज हाल ही में जारी आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह। आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले स्थान पर है। जसप्रीत बुमराह 797 अंकों के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। नई रैंकिंग में टॉप 10 सूची में बुमराह इकलौते भारतीय गेंदबाज हैं। बुमराह के बाद आईसीसी रैंकिंग में भारत के दूसरे गेंदबाज कुलदीप यादव 12वें स्थान पर है। तो दोस्तों बात अब आईसीसी की, तो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर है और आईसीसी के सीईओ मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्री को हाल ही में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? तो इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वे वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। उन्हें यह कार्यभार अरविंद सावंत द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिए जाने के कारण दिया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा सरकार के गठन के चलते अरविंद सावंत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद यह पद खाली हो गया था। अब प्रकाश जावड़ेकर को यह कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है, यानी कि जेवेलियन थ्रो? तो इसका आंसर है सुंदर सिंह गुर्जर। भारतीय खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर ने हाल ही में दोहा में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। सुंदर सिंह ने 61.62 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। सुंदर सिंह गुर्जर ने 2013 में लियोन में गोल्ड और 2015 में दोहा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था। तो दोस्तों यह चैंपियनशिप अभी हाल ही में दोहा में चल रही है, और दोहा कतर की राजधानी है, और कतर की करेंसी यानी कि मुद्रा पूछी जाए तो कतारी रियाल है। और हाल ही में इसी चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी ने भी रजत पदक जीता है। तो हाल ही में जिस भी खिलाड़ी ने अभी मेडल जीते हैं उन सबका नाम चर्चा में है। उन सबको आपको याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी 15 योग्य विधायक 5 दिसंबर को आने वाले चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। कर्नाटक के अयोग्य विधायकों ने हाल ही में शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर 15 सीटों हेतु होने वाले उपचुनाव की तारीख स्थगित करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया था। अब बात कर्नाटका की है, तो बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटका है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, और कर्नाटका के राज्यपाल वजुभाई वाला है। दोस्तों यहाँ बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा 2019 नाम से त्रिसेवा संयुक्त सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो इसका आंसर है रूस। 10 दिसंबर को भारत और रूस के बीच पहला त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। अब बात रूस की है, तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी यानी कि मुद्रा रूबल है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है डल झील। हाल ही में सरकार ने डल झील के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया है। कहा जा रहा है कि प्रदूषण और कब्जे के चलते डल झील का आकार सिकुड़ता जा रहा है। अब डल झील कहाँ है? तो डल झील श्रीनगर में है, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की हाल ही में नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेंगो सचिन तेंदुलकर नाम किसे दिया गया है? तो बकड़ी को, राष्ट्रीय पार्क को, क्रिकेट एकेडमी को, या क्रिकेट पुरस्कार को? तो मारेंगो सचिन तेंदुलकर हाल ही में नाम दिया गया है मकड़ी को। तो गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एक स्कूल ने मकड़ी की दो नई प्रजातियों की खोज की है। इसमें से एक मकड़ी का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है।
यह मकड़ी केरल, तमिलनाडु और गुजरात में पाई जाती है, और दूसरी मकड़ी का नाम इंडो मारेंगो चावरा पटेरा केरल के एक संत कुरियाकोस इलियास चावरा के नाम पर रखा गया है। और जो नाम केरल के संत पर रखा गया है, यह मकड़ी सिर्फ केरल में पाई जाती है। इन्होंने केरल में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन संत ने। तो यह जो दूसरी मकड़ी है सिर्फ केरल में पाई जाती है, और पहली गुजरात केरल में पाई जाती है और तमिलनाडु में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस G20 देश ने 1.5 डिग्री के लक्ष्य को हासिल किया है? तो हाल ही में एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस लक्ष्य को हासिल किया है, तो इसका आंसर है भारत। भारत एकमात्र ऐसा G20 देश है जिसने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की औसत वृद्धि दर के लक्ष्य को हासिल किया है। यह तापमान की दर वैज्ञानिकों ने विश्व के विनाशकारी बढ़ते हुए तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए निश्चित किए हैं। आपको पता है अभी हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है तापमान की वजह से, तो तापमान को निश्चित करने के लिए G20 देशों में समझौता हुआ था, तो उसमें उसका लक्ष्य सिर्फ भारत ने हासिल किया। ये देखिए G20 कंट्रीज की सारी लिस्ट मैंने आपको दिखा रखी है। ओके चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है, तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल कहाँ बनेगा? दोस्तों यह भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल है, तो यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जल्दी से सभी हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और जिस भी स्टेट का नाम या जिस विदेश का नाम आप लिखे, उस सबकी यदि स्टेट का नाम लिखे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी आपको साथ में लिखनी है। ओके तो दोस्तों, आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको और कोई एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हम इम्पोर्टेंट GS क्वेश्चंस की एक सीरीज भी डालते हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस कराए जाते हैं GS के, वो भी सिर्फ 20 मिनट में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और साथ ही हमने रेलवे की और स्टेट लेवल के हरियाणा के भी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब की तैयारी के लिए 2019 के इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो डाली है। हाल ही में जैसे क्लर्क्स में भी उसी वीडियो से एक बुक आई थी और उसके ऑथर का नाम पूछा गया, तो वह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। और नोबल प्राइज़ की भी एक वीडियो हमने क्वेश्चन की फॉर्म में डाली है, ताकि आपको जल्दी से वो याद हो जाए, और इमेजेस के फॉर्म में आपको याद कराने की कोशिश भी की है, तो इस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। और यदि वह वीडियो आपको ना मिले तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।